सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबनू जी आयनू जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आज का दिन बहुत खूबसूरत होगा हमेशा की तरह, क्योंकि हर दिन खूबसूरत होता है। हर दिन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसी को सेलिब्रेट करना ही लाइफ है। आओ चाय पीते हैं थोड़ी सी। और सिद्धू जी ने मुझे हाथ हेलो बोला है। चलिए मुनेश सिंह जी आ जाएं। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से बोल रही हैं? शहर का नाम बता दें जी। मैं बुलंदशहर से बोल रही हूँ सर। बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर। अच्छा, पूछिए क्या सवाल आपका। सर मैंने आपकी डाइट फॉलो करी थी, तो सर 15 दिन में मेरी झाइयाँ खत्म हो मतलब फटने लगी थी। अच्छा। तो सर उसके लिए मैं डाइट फॉलो करती जा रही थी, लेकिन सर यहाँ से ना ये आप देख रहे हैं, तो सर ये यहाँ से झाइयाँ फटने लगी, लेकिन मेरे ये आईब्रोज जो है ये वाइट हो गया सर। अच्छा जी। और सर फिश, और सर ये यहाँ से ना ये सारा ये बढ़ने लगा है इस तरह से, ऐसे ये करके ये। तो सर मैं काफी मतलब 4-5 महीने हो गए हैं लाइव आना चाह रही थी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये किस वजह से हो रहे हैं, ये मतलब झाइयों की वजह से है या कोई और? फिश ऑयल वगैरह मैंने लिए थे, ये समझ में नहीं आ रहा सर कि ये आपकी ना झाइयां फट रही हैं। सबसे पहले ना आप इत्मीनान रखें थोड़ा, ठीक है? आपकी झाइयां फट रही हैं, थोड़ा और पेशेंस रखें, ये पूरी तरह से चली जाएंगी। फिश ऑयल के कोई नुकसान नहीं होता, आपको बताऊं। लोग गलत जगह बैठ जाते हैं कि फिश ऑयल खाओ तो फुलैरी हो जाती है चेहरा, ये सब बकवास बातें हैं। आप डाइट पे फोकस करें। नंबर वन आपकी डाइट है, अगर डाइट पूरी ले रही है, देखो आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल रहा है, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इत्मीनान से अपनी डाइट फॉलो करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, तो ठीक है, तो अच्छे से फॉलो करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहें, जितनी टेंशन लेंगी उसका नुकसान है आपको। जी नहीं सर, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आईब्रोज के जो देखे सर, ये बाल जो व्हाइट हो गए हैं, ये हो जाएंगे ब्लैक? देखिए बस थोड़ी टेंशन इसकी हो गई। 35 साल के बाद ना बाल व्हाइट होना स्वाभाविक है। मेरे भी देखो यहाँ पे बीच बीच में व्हाइट बाल है, ठीक है? तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो तभी कहता हूँ आप अच्छे से वर्कआउट करो, वर्कआउट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। डाइट फॉलो करो, वर्कआउट करो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं जी, फिश ऑयल खा लेंगे पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैं पिछले 7 सालों से खा रहा हूँ फिश ऑयल, ठीक है? तो इतने लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कैसे हुई है? उन्होंने डाइट फॉलो की है। जब तक रिजल्ट पूरी तरह नहीं मिलता, सप्लीमेंट ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो और मल्टीविटामिन ओमेगा 3 इनको ऐड करो, तभी ठीक हो जाएगा जल्दी, ठीक है? सर डाइट तो मेरी बहुत अच्छी तरह वो जा रही थी सर। प्रोटीन पाउडर मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ था, पीनट बटर में बना रही थी, सत्तू मैंने अपने हैंडमेड बनाया हुआ था सर, और जो आपने डाइट बताई थी वो सब बिल्कुल प्रॉपर ले रही थी मैं। अच्छा। लेकिन सर मैं 4-5 महीने जी 3-4 महीने से मैं लाइव नहीं हो पा रही थी, मुझे थोड़ा सा बस ये टेंशन होती कि ये व्हाइट हेयर जो हो गया है कि ये पता नहीं किस वजह से सर हो रहे हैं, तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। नहीं नहीं जी, टेंशन मत लें। देखिए व्हाइट तो बाल होने ही होने एक दिन, ठीक है? सबके व्हाइट हो जाने जी, तो उसकी टेंशन मत जी, जी। बस आप ना डाइट को खुश होकर खाएं, मेन आपकी डाइट है, फिजिकल एक्टिविटी, बस इन्हीं चीजों को फॉलो करें और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी? चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, खुश रहें। ओके टेक केयर। 15 दिनों में झाइयां फट गई हैं, अभी भी यकीन नहीं आया लगता है मैम को। चलो किसी और को लाइव लेते हैं, लेट्स सी कोई और कहानी। हयाती शाह जी आ जाएं। हयाती शाह